हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुरकुरी भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस भिंडी की रेसिपी को आप एज ए स्नैक्स खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं। बच्चों को भिंडी इस तरीके से खाने में बहुत अच्छी लगेगी। कुरकुरी और चटपटी भिंडी होती है ये। आप इसे दाल चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को अच्छे से धो लिया है और धो करके हल्का सा सुखा लिया है। बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए मैं इसको इस तरीके से तिरछा तिरछा कट कर रही हूँ। आप जैसा चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इतने बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। इसमें आधा इंच के टुकड़े काट रही हूँ और इसी तरीके से सारी भिंडी को काट करके मैं तैयार कर लूँगी। बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आधा छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है अमचूर पाउडर और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से टॉस कर लीजिए, चम्मच से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर आप थोड़ा सा बढ़ाकर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा चटपटी बनानी है तो मैंने आधा चम्मच डाला है, आप एक चम्मच तक डाल सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। 3 छोटे चम्मच चावल का आटा डालूंगी और 2 छोटे चम्मच इसमें जाएगा बेसन। तो ये रेशियो आपको इसी तरीके से रखना है, तभी भिंडी आपकी एकदम कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। पहले हम ऐसे ही इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए इसको मिक्स करेंगे। पानी का छींटा ही मारना है, हाथ से पानी नहीं डालना है। हल्का सा भिंडी पे पानी का छींटा मारेंगे एक बार फिर से और फिर से मिक्स कर लेंगे। बेसन और चावल का आटा है वो अच्छी तरीके से भिंडी के ऊपर चिपक जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया। फिर से इसमें पानी का छींटा मारेंगे और फिर से इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से पानी का छींटा लिया और फिर से मिक्स कर दिया। तो नीचे जितना भी चावल का आटा बेसन है वो सारा भिंडी के ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरीके से करने से भिंडी के ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाएगी बेसन और चावल के आटे की, जिससे हमारी भिंडी अच्छी कुरकुरी बनेगी। तो एक बार लास्ट टाइम और इसमें मैंने हल्का सा पानी का छींटा मारा और इसको मिक्स कर लिया। तो सारा बेसन और राइस फ्लावर इसके ऊपर कोट हो गया है। बस इतना ही इसको मिक्स करना है और यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छी कुरकुरी सी हो गई है। बस इसको फ्राई करेंगे। और चटपटा बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक मिर्ची ऊपर से डाल करके मिक्स कर लिया था। आधा चम्मच मिर्ची और डाली मैंने, थोड़ा सा नमक डाल के ऊपर से मिक्स किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल अच्छी तरीके से गरम जब हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके भिंडी ऐड करेंगे। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके भिंडी फ्राई करनी है और भिंडी डालने के बाद भिंडी को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आधे एक मिनट के लिए इसे पकने देना है और उसके बाद फिर इसको जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो पलट के दूसरी साइड से सेकना है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पर, मीडियम हाई फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है। लो फ्लेम पे करेंगे तो भिंडी जो है ज़्यादा तेल को अब्सॉर्ब करेगी और हाई फ्लेम पे करेंगे तो भिंडी एकदम कुरकुरी और टेस्टी बनेगी। 4 मिनट के अंदर भिंडी आपकी इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। तो भिंडी को आप निकाल लीजिए और इसी तरीके से दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। सारी भिंडी को थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करना है आपको। तो इस तरीके से आपकी भिंडी एकदम कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस भिंडी को आप एज ए स्नैक्स खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, पकौड़ों की तरह खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं एज ए स्नैक्स। बच्चे बहुत मज़े से खाते हैं ये भिंडी, मेरी बेटी को बहुत पसंद आती है। तो इस तरीके से ये भिंडी कुरकुरी भिंडी बना करके आप देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आपके साथ एकदम चटपटी भरवा भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप पूरी पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। टिफ़िन बॉक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन में, हस्बैंड को लंच में दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बनती है भरवा भिंडी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर और इसके साथ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटी चम्मच में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ज़्यादा तीखा ना हो इसलिए, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, बाद में 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच सौंफ लेकर के मैंने दरदरा कूट लिया है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो जीरा और
सौंफ लेना है आपको, ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा छोटी चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। बस इन मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें एक मसाला और जाएगा तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कौन सा मसाला और डालना है। तो अभी इसमें मैं एक चम्मच के करीब सरसों का ऑयल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने एक चम्मच के करीब इसमें सरसों का ऑयल डाला है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद इसमें एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करना है आपको, इससे बहुत अच्छी चटपटी सी भिंडी बनके तैयार होती है। इसको आपको ऐड कर लेना है और अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लेना है। मसाला रेडी हो गया है। भिंडी ली है मैंने 250 ग्राम और इसको अच्छी तरीके से धो करके सुखा लिया है। और इसको काटने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हेड को कट करेंगे, फिर हम इसकी टेल कट करेंगे, यानी कि दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे और बीच में इस तरीके से एक चीरा लगाएंगे, एक कट लगा देंगे जिसमें हम स्टफिंग भर सकें। एक और भिंडी काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड से इसको कट किया, बीच में से इस तरीके से कट लगाया है। भिंडी थोड़ी सी जुड़ी रहनी चाहिए दोनों साइड से, बीच में से कट लगाना है आपको। बस इसी तरीके से सारी भिंडी को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए भिंडी को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे जो हमने कट लगाया है, और उसमें चम्मच की हेल्प से इस तरीके से मसाला भर देंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं भरना है, बहुत कम भी नहीं भरना है, मीडियम सा मसाला आपको भरना है। आधा चम्मच के बराबर इसमें मसाला आ जाएगा और अपनी भिंडी के अकॉर्डिंग आपको मसाला भरना है। अगर ज़्यादा भिंडी है तो थोड़ा कम कम भरना है, वरना इसमें आपको आधा चम्मच के बराबर मसाला भर देना है। तो बस इसको भर करके तैयार कर लेंगे सारी भिंडी को इसी तरीके से। तो मैंने इसी तरीके से भर करके तैयार कर लिया है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो 1 चम्मच इसके अंदर मैंने जीरा ऐड किया है। जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरा चटक गया, अच्छे से ब्राउन कलर आ गया। भरी हुई भिंडी ऐड करेंगे और इसको एक बार हल्के हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे ऑयल की कोटिंग सारी भिंडी के ऊपर हो जाए। और अब इसको हम इसे ही ओपन करके 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। उलट पलट करते रहेंगे बीच बीच में और जो मसाला बच गया है वो भी इसी के ऊपर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ढक करके इसको पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने ढक करके 2 मिनट लो फ्लेम पे इसको पका लिया था और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, 1-2 चम्मच के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और साइड से पानी डालना है जिससे कि मसाला ना निकले। इस तरीके से 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल दीजिए, ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 6-7 मिनट पका लीजिए और बीच बीच में आपको देखते रहना है, इसको चलाते रहना है, हल्के हाथ से चलाना है। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, भिंडी जो है हमारी एकदम से पक गई है। पानी डालने से भिंडी का जो मसाला है बिल्कुल भी जलता नहीं है और कम तेल में भिंडी अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। तो बस ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी रेडी हो गई है, भरवा भिंडी रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म पराठे पूरी के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, लंच बॉक्स में दे बच्चों को, हस्बैंड को, बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है। आप इस भिंडी को बना करके 2 से 3 दिन फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। आप इस भिंडी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।